हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिखा है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसको हम फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगी जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, जिसकी मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 6 की पावर 2/3, तो मैं इसको 6 की पावर 2/3 को ऐसे ही लिख सकता हूँ इनटू, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रूट के बाद 3। इसका मतलब होता है कि 6 की पावर 1/3, यानी हम लिख सकते हैं 6 की पावर 7, और रूट के आगे जो 3 लिखा है इसका मतलब है 1/3, यानी इस पूरी क्वांटिटी की पावर है 1/3 अपॉन नीचे सेम 6 की पावर 6 है, फिर उसके ऊपर रूट है जिसके बाहर 3 लिखा है, यानी इसका मतलब भी क्या है, इसकी होल पावर क्या है 1/3। और यहाँ पे हम सबसे पहली आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई एक नंबर है जिसकी पावर a है, फॉर एग्जाम्पल उसकी पावर 2 है और उसके बाहर एक और पावर लगी है 2, तो होता क्या है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2/3 इंटू, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1/3 जो कि हो जाएगा हमारा 6 की पावर 7/3। सिमिलरली नीचे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 6 है और बाहर है 1/3, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 3 2 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी अब दूसरी आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी, हमारी दूसरी आइडेंटिटी यूज़ होगी कि अगर कोई दो नंबर्स हैं और वो सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल उनकी पावर है ए और एक की पावर है बी, तो होता क्या है जो नंबर सेम उनको एक बार उतार लेते हैं, उनकी पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। सेम यहाँ पर कंडीशन है, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार 6 को लिख सकता हूँ और इन दोनों की पावर को ऐड कर सकता हूँ, 2/3 + 7/3। सिमिलरली नीचे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम करके देखते हैं 2/3 + 7/3 जो कि होता है हमारा 9/3 जो कि बराबर होता है 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3/6 की पावर 2, तो ये कट कर हमारा आ जाएगा 6 की पावर 1 = 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस इन कुछ दो आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे हमें गिवन दे रखा है 1/5 की पावर 3y जो कि बराबर है 0.008 के। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम एज इट इज लिखते हैं 1/5 की पावर 3y, और यहाँ पे हम डेसिमल खत्म करेंगे, डेसिमल लगाए 3 गिनतियों से पहले, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 वाली गिनती यानी 1000 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से डेसिमल खत्म हो जाएंगे 8 बचेगा और नीचे आ जाएगा 1000। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 8 1 8 8 1 8 2 0 8 2 16 16 और 8 5 40, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3y बराबर 1/125, जैसे कि हम जानते हैं 125 5 का क्यूब होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 3y बराबर 1/5 का क्यूब, ठीक है। इसी तरह हमने देखा दोनों जगहों पे 1/5 1/5 आ गया है, नीचे का जो बेस की गिनती का वो जो सेम है, अब हम इनकी पावरों को भी बराबर कर सकते हैं क्योंकि इनके नीचे की गिनती सेम है, इनकी पावर को बराबर करेंगे तो क्या होगा 3y = 3, और यहाँ से हमारा वाई कितना आ जाएगा 3/3 = 1, तो वाई की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जहाँ पे है 0.00032 की पावर 3/5, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके डेसिमल को हटाते हैं, तो डेसिमल को हटाने के लिए डेसिमल यहाँ पे हमारा देख सकते हैं 5 गिनतियों से पहले है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 वाली गिनती से, यानी इससे और ऊपर और नीचे, इससे क्या होगा इसका डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32 और नीचे हमारा सिंपली आ जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे हम देखते हैं 32 को हम अच्छी तरह जानते हैं, 32 होता है 2 की पावर 5, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 2 की पावर 5, और नीचे देख सकते हैं 5 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 5, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि देखो ऊपर पावर सेम है, 2/10 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, और इसी तरह ये अगर ये अंदर कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 1/5 की पावर 5, ठीक है।
ये तो हमने अभी अभी अंदर के जो है 0.0032 उसको हमने सॉल्व करा तो हमारा आया 1/5 की पावर 5। मगर हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है 3/5। हम इसके ऊपर पुट कर देते हैं 3/5। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब किसी एक हमने अभी पढ़ा था इस क्वांटिटी में, तो यहाँ पर ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब पावर के ऊपर दूसरी पावर है तो क्या हो जाएगा हमारा 1/5 की पावर, जब यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, तो 1/5 के बाद 3, और हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब 1 होता है और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।